बाजार हिंसा मामले में भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में 10 जून को दशहरा मैदान में सतनामी समाज के प्रदर्शन के दौरान देवेंद्र यादव की मौजूदगी की बात सामने आई थी, जिसे लेकर पुलिस ने विधायक देवेंद्र यादव को बयान दर्ज कराने नोटिस भेजा था। इस मामले में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि वे बलौदा बाजार जाएंगे और पुलिस के समक्ष अपना बयान दर्ज कराएंगे। देवेंद्र यादव ने कहा कि पुलिस उन्हें फंसाना चाह रही है, लोगों पर दबाव डलवाया जा रहा है कि वे देवेंद्र यादव का नाम ले, ताकि पुलिस ये साबित कर सके कि हिंसा भड़काने में उनका ही हाथ था, लेकिन ये सच नहीं है। बलौदा बाजार के एक परिवार ने उन्हें मैसेज कर कहा है कि पुलिस उन पर दबाव डाल रही है कि देवेंद्र यादव का नाम लें तो उनके भाई को छोड़ देंगे। कल एक महिला का, एक बहन का मुझे फोन आया, मैसेज आया और उसने कहा कि देवेंद्र जी, ये उसके मैसेज है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप जूम कर सकते हैं तो इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। उसने कहा कि मुझे, मेरे भाई को, मेरी बहू को पुलिस के लोगों ने बुलाकर ये कहा कि आप देवेंद्र यादव का नाम लीजिए, हम आपके भाई को छोड़ देंगे। उस महिला से, उस बहन से मेरी बात हुई, जब वो, मैं बोलूंगा तब मीडिया के सामने भी आकर बताएगी कि उसके परिवार को ये डराया गया, धमकाया गया और कहा गया कि आप देवेंद्र का नाम ले लो, हम आपके भाई को छोड़ देंगे।